नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के बहड़िया स्थित यमुनानगर मंदिर पर महायज्ञ का आयोजन किया गया है। दरअसल आपको बताते चलें कि रामनवमी के मौके पर 9 दिनों तक इस यज्ञ को किया जाएगा और वहां पर प्रवचनकर्ता वहां पे पहुंचे हुए हैं, कथा भी कर रहे हैं और तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो कि सिवान के आरजेडी के उम्मीदवार हैं अवध बिहारी चौधरी, ये मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर पहुंचे हुए थे। यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं बहड़िया के यमुनानगर की, जहां पर जो कमेटी है, कथा की जो कमेटी है, जो वहां पे यज्ञ किया जा रहा है, उनके द्वारा अवध बिहारी चौधरी जो आरजेडी से सिवान के उम्मीदवार हैं उनको बुलाया गया था। और जैसे ही अवध बिहारी चौधरी वहाँ पर पहुँचे, फूलों का माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ कमेटी के लोगों ने स्वागत किया। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि अवध बिहारी चौधरी अपने पूरे समर्थकों को लेकर के पहुँचे हुए हैं सिवान के बहड़िया स्थित यमुनानगर मंदिर में, और इनके साथ महमूद हसन अंसारी जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर अशरफ अली, और फिर वहाँ के स्थानीय भी। और देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं जो कि अवध बिहारी चौधरी के साथ यमुनानगर मंदिर में पहुँचे हुए थे। तो बिल्कुल ये तस्वीर आपको एक बार फिर से बताते चले कि अवध बिहारी चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुँचे हुए थे। बहड़िया के यमुनानगर मंदिर पर यज्ञ का आयोजन किया गया है और वहाँ पर 9 दिनों तक यह कार्यक्रम चलेगा, कथा चलेगी। बाहर से विद्वान पंडित भी वहाँ पर आए हुए हैं, कथावाचक आए हुए हैं, जिनके द्वारा कथा किया जा रहा है। और वहीं पर अवध बिहारी चौधरी को बुलाया गया था, जो कि सिवान से आरजेडी के उम्मीदवार है अवध बिहारी चौधरी, उन्हें बुलाया गया था और उन्हें वहां पर सम्मानित भी करने का काम किया गया, जो कि कमेटी है उनके द्वारा। तो लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम उनके साथ लोग भी पहुंचे हुए थे। अवध बिहारी चौधरी अपने समर्थकों को लेकर के वहाँ पर पहुँचे हुए थे और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अवध बिहारी चौधरी को, अवध बिहारी चौधरी जो कथावाचक है, उन्हें गमछा दे करके और सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। तो ये लगातार आपको दिखा रहे हैं कि अवध बिहारी चौधरी का लगातार दौरा जो है वो धुआंधार दौरा जारी है। सिवान से आरजेडी के उम्मीदवार हैं अवध बिहारी चौधरी और इस बार पहली बार एमपी का टिकट उन्हें मिला हुआ है, जो कि सिवान सीट से वो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और भारी दमखम के साथ तैयारी है उनकी। और इसी क्रम में एक बार फिर से हम बताते चले कि बहड़िया के यमुनानगर मंदिर पर पहुँचे हुए थे, जहाँ पर महायज्ञ का आयोजन किया गया था। तो आइए सीधे ले चलते हैं और देखते हैं पूरे इस कार्यक्रम को। एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार सिवान। अब अंग वस्त्र से सम्मानित करें। और मैं डॉक्टर अशरफ अली जी से आग्रह करूंगा कि आप पुष्पमाला से महाराज जी का स्वागत करें, पुष्पमाला से माला भी देते जाइए। और मैं पुनः मुखिया जी से, अश्विनी जी से आग्रह करूंगा, पर नीति जी से कि यहाँ पे पुष्पमाला से डॉक्टर अशरफ अली जी को पुष्पमाला से स्वागत करें, अंगवस्त्र से स्वागत करें। और दो नाम और हैं, बालापुर पंचायत के मुखिया माननीय श्री मुन्ना यादव जी को आप अंगवस्त्र से सम्मानित करें। चलिए मेरे बड़े भाई पूर्व मुखिया बाबूलाल जी आप आए और मुन्ना यादव मुखिया बालापुर पंचायत को अंगवस्त्र पुष्पमाला से सम्मानित करें। और वीरेंद्र हमारे मित्र 2001 में ये मुखिया बने थे और हम पंचायत समिति बने थे। वीरेंद्र जी छोटे कद के, लेकिन रोम रोम में इनमें बुद्धि और विवेक माँ सरस्वती की कृपा है। तो मैं वीरेंद्र मुखिया जी से आग्रह करूंगा कि आप अपने बड़े भाई बलिराम यादव जी प्रेक्ष अध्यक्ष जी को अंग वस्त्र पुष्पमाला देकर के सम्मानित करें। और मैं डॉक्टर अनिल कुमार गिरी जी से आग्रह करूंगा कि पुष्पमाला से महाराज जी का स्वागत करें। मैं महमूद हसन अंसारी साहब जी से आग्रह करूंगा कि आप पुष्पमाला से महाराज जी का स्वागत करें।
और मैं झगड़ू यादव जी माननीय विभाग सरपंच साहब से मैं आग्रह करूंगा कि आप पुष्पमाला से महाराज जी का स्वागत करें। विद्याभूषण जी पैक्स अध्यक्ष है, विद्याभूषण जी से निवेदन करूंगा कि आप पुष्पमाला देकर के महाराज जी का स्वागत करें। और मैं मुख्य यजमान रमेश जी से निवेदन करूंगा कि आप पुष्पमाला से स्वागत करें। मनोहर सर जी से आग्रह करूंगा कि आप पुष्पमाला से स्वागत करें महाराज जी को। मनोहर सर जी और मैं वेद प्रकाश जी से आग्रह करूंगा, प्रदीप जी से आग्रह करूंगा कि आप पुष्पमाला से स्वागत करें। आते जाए एक एक करके, आज स्वागत समारोह है। आज सर्वप्रथम मैं ओरिगामा के जमुनागढ़ के पवित्र धरती को मैं नमन करता हूँ। माननीय कथावाचक विद्वान महाराज जी और इस कालक्रम में सक्रिय रूप से लगे हुए डॉक्टर अनिल गिरी साहब, यहाँ के वर्तमान मुखिया जी, पूर्व मुखिया जी और डॉक्टर द्वे एक माए हैं और हम एक मेरे पीछे उपस्थित थे, बालापुर के मुखिया जी और साहब, यहाँ के महंत जी जिन्होंने विद्वान माला से सम्मानित करने का काम किए, वीरेंद्र जी जो पूर्व मुखिया है, बड़ा सजग व्यक्ति और इस सब सामाजिक और धार्मिक कार्यों में बड़े सक्रिय रूप से लगे रहते हैं। आज के इस आयोजन के सफल संचालक हैं और हम लोगों से वर्षों से चाहे कोई स्कूल में प्रोग्राम हो या फील्ड में खेल कूद का प्रोग्राम हो, हर जगह चाहे क्रिकेट का मैदान हो, हर जगह संचालन करने की जिम्मेवारी इनको मिलती रही है, भले ही अच्छे संचालक। मंच पर सम्मानित सभी हमारे समाज में अच्छे अच्छे कार्यों में सक्रिय रूप से सहयोग देकर के समाज को एक अच्छा रास्ता देने वाले उपस्थित यहाँ सभी भाइयों, नौजवान साथियों और महाराज जी जो विद्वान कथावाचक हैं, इनके संगत करने वाले आए हुए जो गायक हैं, अन्य यंत्र वादक लोग, उन लोगों को भी सिवान के इस पवित्र धरती पर मैं अपने तरफ से, इस आयोजन समिति की तरफ से आप लोगों का भी मैं अभिनंदन स्वागत वंदन करता हूँ। और ये बहुत ही अच्छा व्यवस्था हमने देखा, वीरेंद्र जी ने मुझे आमंत्रित करने का काम किया था, हालांकि इन्होंने मुझे कोई काम नहीं दिया वीरेंद्र जी,
के बड़ा ही मन से पवित्र और शुद्ध मन से और ये माँ भवानी माँ देवी की कृपा रही तो आपके द्वारा सुझाए गए जो कार्य है उसको भी चाहे जिस रूप में रहूँगा निश्चित आज मैं कल पूरा करूँगा देखने के लिए। मैं आप लोगों के बीच का आप ही जैसा एक सेवक हूँ और मेरे मन में सबके प्रति श्रद्धा भाव है और शांति सद्भावना भाईचारा एक अच्छा सोच और एक अच्छी समझदारी का रास्ता है और पूजा पाठ से मन पवित्र होता है, तनाव से मुक्ति मिलती है और इलाका में जहाँ ये सब कार्यक्रम इस तरह के धार्मिक कार्य होते हैं इलाके में शांति सद्भावना और भाईचारे का प्रचार प्रसार होता है। मैं चूंकि कथावाचक विद्वान महाराज जी का समय नहीं लेना चाहता हूँ, मैं आपको पुनः नमन करता हूँ। मंच के और इस आयोजन के सभी सहयोगी नमस्कार करता हूँ, श्रोतागण को भी प्रणाम नमस्कार करता हूँ और यह निरंतर गति से डैफोडिल्स स्कूल एंड किड्स जोन प्रीनर सॉरी CBSE कैरिकुलम अनाउंस फ्री एडमिशन टिल मार्च 2024 एडमिशन ओपन विशिंग एवरीवन हैप्पी सरस्वती पूजा एंड होली ग्रीन एंड पीसफुल सराउंडिंग 5 days a week कंप्यूटर क्लासेस योगा एंड डांस क्लासेस स्पेशल एम्फेसिस ऑन मैथ साइंस एंड इंग्लिश व्हीकल अवेलेबल ऑन ऑल विशन कंपाउंड महादेवा सिवान मोबाइल नंबर 9631724798। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान, बंधन पैराडाइज आपके सपनों का टाउनशिप जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल स्कूल पार्क शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क जहां मिलेगा आपको शांत प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GDA ऑफिस तारामंडल गोरखपुर। सिवान में खुल गया है जानदार व शानदार होटल ग्रैंड पाटलिपुत्र अ कंफर्ट स्टे जहां मौजूद है लग्जरियस रूम रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल सिवान मेरवा मेन रोड नियर दरोगा राय कॉलेज श्रीनगर सिवान। कॉल करें 8797773511 9263020725। इमानुअल ग्रुप ऑफ स्कूल हरदिया मोर एंड आनंद नगर सिवान एडमिशन ओपन सीजन 24-25 लिमिटेड सीट्स हरिय इमानुअल ग्रुप ऑफ स्कूल हरदिया मोर एंड आनंद नगर सिवान। कॉल करें 7761872900993440765। अब बड़े बड़े शहरों के बाद सिवान में खुल गया बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल एडमिशन ओपन फोर्थ सेशन 24-25 नर्सरी टू क्लास 6 CBSE करिकुलम आंध्र ढाला मड़कन सिवान। कॉल करें 9122899149। सिवान में खुल गया है जानदार व शानदार होटल ग्रैंड पाटलिपुत्र अ कंफर्ट स्टे जहां मौजूद है लग्जरियस रूम रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल सिवान मेरवा मेन रोड नियर दरोगा राय कॉलेज श्रीनगर सिवान। कॉल करें 8797773511 9263020725। सिटी मोंटेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान सिवान CBSE करिकुलम क्लास 1 से 10 तक की व्यवस्था नए सत्र में नामांकन प्रारंभ स्मार्ट क्लास वेल मेंटेन हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब इंग्लिश स्पोकन की सुविधा एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां री एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है।
सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सा कोचिंग सेंटर बुरिया माई मंदिर के पास गांधी मैदान सिवान। प्रचार अशोक कुमार सिंह, मोबाइल नंबर 9934989245।